फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन में इस तरीके का ये ब्लू बॉक्स बन जाता है, यानी कि ब्लू कलर की लाइन बन जाती है, तो इस ब्लू लाइन को आप कैसे हटा सकते हैं अपने फोन से, यानी इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं ब्लू लाइन को, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन पे ना कोई सा भी ऑप्शन दबाने पे या कोई सा भी ऐप दबाने पे आपका ब्लू कलर का बॉक्स बन जाता है, यानी ब्लू कलर की चारों ओर ये लाइन बन जाती है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कोई सा भी मैं ऐप दबा रहा हूं तो यहाँ पे इसके ऊपर ब्लू कलर की लाइन बन जाती है, ठीक है। तो इसे हटाने के लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए सिंगल टैप से आपका फोन जो है काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करने के लिए आपको अपने हाथ की किसी भी दो उंगलियों का यूज करना है, एक साथ दो उंगलियों का यूज करना है स्क्रीन के ऊपर, तब जाके आपकी फोन की स्क्रीन जो है ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करेगी, ठीक है ना। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए इसे आपको ब्लू कलर की लाइन को इसको हटाने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज ओपन करने के लिए आप जो है दो उंगलियों का यूज करके सेटिंग का ये ऐप ढूंढ लीजिए। इसके बाद आपको सेटिंग का जो ये ऐप है इसके ऊपर आपको सिंगल टैप करना है, तो ये ब्लू कलर की लाइन इसके ऊपर चारों ओर बन जाएगी। अब सिंगल टैप करने के बाद आपको इसे डबल टैप करना है, ठीक है। तो आपका ये पेज आ जाएगा सेटिंग का। अब इसमें देखिए सेटिंग का जो पेज है ना, इसमें आपको दो उंगलियों का यूज करके आपको स्क्रीन को ऊपर नीचे करना है, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप ऐसे आप कर सकते हैं। तो नीचे की साइड में आपको जो है ना नीचे की साइड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है। और सिंगल टैप करने के बाद आपको इसे डबल टैप करना है। अब इसके एक्सेसिबिलिटी के अगले पेज में आपको ये टॉक बैक की जो सेटिंग है इस पर आपको सिंगल टैप करना है। अब इसके बाद आपको इस पर डबल टैप करना है तो आपका टॉक बैक का पेज आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑन के सामने जो बटन है ना, इसे आपको सिंगल टैप करना है। अब इसके ऊपर आपको डबल टैप करना है इसी बटन के ऊपर, ठीक है। तो यही प्रोसेस से आप अपने पूरे मोबाइल फोन को यूज कर पा रहे होते हैं, ठीक है ना, ये दो तरीकों से, ठीक है ना। तो अगर ये कभी भी ब्लू कलर का बॉक्स बनता है, ब्लू कलर की लाइन बनती है, ठीक है। अब देखिए नीचे एक पेज आ गया है। अब यहाँ पर आप हम इसे जो है टर्न ऑफ के बटन पे टैप करते हैं। अब इसके ऊपर हम डबल टैप करते हैं तो ये जो हमारी ब्लू कलर की जो लाइन होती है यहाँ से हमारी रिमूव हो जाती है, यानी कि ये जो ब्लू कलर की जो लाइन होती है हट जाती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हम जो है सिंगल टैप से और सिंगल उंगली से हम जो है अपने फोन की स्क्रीन को नॉर्मली पहले की तरह यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके फोन पर ब्लू कलर की लाइन अगर यहाँ पे दिखाई देती है ना, लग जाती है, तो इस तरीके से आप जो है ब्लू कलर की लाइन या ब्लू कलर का ये जो बॉक्स बन जाता है तो इसे आप इस तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है।